नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना है। ये लगभग उस समय का है जब डैक चलते थे। जिस वीसीडी में से मैंने ये बोर्ड निकाला है, उसमें डैक का ऑप्शन भी था, यानी डैक की कैसेट प्ले हो सकती थी। उन्होंने वो वीसीडी प्लेयर कबाड़े में फेंका आपसे कई साल पहले, तब मैंने ये बोर्ड उसमें से निकाल लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बेस ट्रेबल के सर्किट जो हैं वो मेरी समझ में नहीं आए, और मैंने अंततः इसकी आईसी निकाल कर एक इस वाले बोर्ड में फिट कर दी, जो कि मैंने एम्पलीफायर में से निकाल लिया कनेक्शन सहित इसके। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसमें से ये आईसी फिर से निकाल कर इसमें लगाएंगे और इसके कनेक्शन देखेंगे, आवाज़ देखेंगे कैसी बजती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इन आईसीयों की कंडीशन क्या हो गई है। इन आईसीयों के ये जो ऊपर पॉलिश थी जिंक की या किसी भी निकिल विकिल की, वो ख़राब हो गई हो, नीचे कॉपर दिख गया है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये काफ़ी पुरानी आईसी हैं। और दोस्तों, ये जो बोर्ड इतना चमक धमक रहा है, इस बात पर आप मत जाना, क्योंकि ये बोर्ड मैंने बड़ी मेहनत से साफ़ करके धोया है साबुन सरफ, और इसमें मैंने हल्का सा हार्पिक भी लगाया, जिसकी वजह से ये चमक चमके, कुछ रेजिस्टेंसों के ऊपर के नंबर भी सफ़ा हो गए। जैसे कि दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, इनके नंबर गायब हो गए, मगर नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे तो इन पर अभी भी नंबर हैं, मतलब कलर कोड है इन पर नीचे की साइड में। तो बहुत जल्दी करके इसमें से आईसी निकाल लेते हैं। इस पर दोस्तों, सबसे पहले आईसी की पिनों पर हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। और दोस्तों, ये डिसोल्डरिंग पंप है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे यहाँ से। एक प्रिंट बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसी तरह से सारे प्रिंट साफ़ कर लेने हैं। दोस्तों, ये मैंने सारे डिसोल्डरिंग पंप से रंग इसकी छुटा ली है। धातु की, लोहे की कोई भी चीज़ इस पर इस तरह से मारो सारी पिनों पे एक साथ, और ये आईसी आपकी निकल कर इसमें गिर जाएगी। आप देख सकते हो, इसका कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। यदि जब कभी मैं इसमें आईसी लगाना भी चाहूँ इस बोर्ड में, तो ये आसानी से लग जाएगी। इसी तरह से मैं इस बोर्ड की भी आईसी निकाल लूँगा। दोस्तों, ये दोनों आईसी निकल चुकी हैं, इसका नंबर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये 44 44 3H5, बस और कुछ नहीं लिख रहा, और ये बहुत पुरानी तो है ही। अब दोस्तों, ये जो इसके ट्रैक हैं, ये काफ़ी गंदे हो रहे हैं, तो इन्हें रेगमाल की सहायता से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेंगे और इसमें आईसी लगाते हैं। अब इनमें आईसी हम लगा देंगे। आईसी लग चुकी हैं, अब हम इधर सोल्डर कर देंगे, पेस्ट लगा लेंगे। दोस्तों, ये सोल्डर हो चुका है, अब हम फैन ट्रॉल या थिनर की सहायता से साफ और कर लेंगे। तो मैंने ये अच्छी तरह सोल्डर करके इस पर सफाई भी कर ली है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम हीट सिंक लगाएंगे, तो ये हीट सिंक है जो कि काफ़ी हल्की है, इसको यहाँ लगा देंगे। और मैंने एक और, मेरे पास ये पड़ी थी, तो मैं इसको भी इसके ऊपर लगा दूँगा। इसमें दो ही पेच लगेंगे, पर लग जाएंगे, अच्छी रहेगी। अब दोस्तों, इसे इन पेचों में खींच देना है। दोस्तों, इसके कुछ कंपोनेंट मिस थे, जैसे कि ये 4 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ये कंडेंसर, और एक ये कंडेंसर ऊपर ही रखा है। मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, इसकी वैल्यू है 125 वोल्ट 100 MFD। इसकी जो ये वाली आईसी है, मैं इसको भी निकाल लूँगा इसमें से, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी होगी, क्या पता ना चल पावे। तो इसको निकाल, चिमटी की सहायता से इसके अंदर चिमटी, और ये निकल गई। एक नई आईसी मैंने इस पे, ये इधर की तरफ निशान होता है, इस निशान को देख के मैं इसे यहाँ लगा दूंगा। ये लग चुकी, इसका कंडेंसर लगा कर दिखाता हूँ। अब दोस्तों, ये और ये
पॉइंट तो हैं बेस के एक सेक्शन के, जैसे ये तीन होते हैं तो एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरह से ऐसे ही ये लग जाएंगे इसी सेक्शन के दूसरे, एक दो और ये तीन। तो मैं इन्हें लगा करके आपको दिखाता हूँ, और ट्रेबल के लगेंगे यहाँ पर एक दो तीन, एक दो तीन, लगा कर दिखाता हूँ। अब दोस्तों वॉल्यूम के कनेक्शन करेंगे, तो वॉल्यूम के कनेक्शन हो जाएंगे इसमें एक पॉइंट तो हमें लगा देना है ग्राउंड में, और जो बीच के हैं दो, यानी इसके बीच में मैंने लाल रंग के तार जोड़ रखे हैं, वे लाल रंग के तार हमारे जुड़ेंगे इस आईसी की पिन नंबर दो पर, जैसे कि एक यहाँ है, अब मेरे पास ये एयरफोन की लीड है, कानों में लगाने वाली साधारण लीड। तो मैंने क्या किया, इसका जो एक पॉइंट और ये दूसरा, यानी इधर से शुरू करो एक और दो, ये तार अलग अलग हैं, इसे मैं लेफ़्ट राइट के लिए यूज करूँगा, और ये जो तीन और चार हैं इनको मैंने एक जगह कर दिया है, और इसको मैं बैटरी के निगेटिव या ग्राउंड, मैं बैटरी के निगेटिव को ही ग्राउंड करता हूँ इसमें, तो उससे जोड़ देंगे, ग्राउंड है ये दोस्तों, इसके लेफ्ट राइट हैं। दोस्तों इस आईसी की 10 और 12 नंबर पिन में स्पीकर जुड़ेगा, दोस्तों इससे दो स्पीकर मैंने जोड़ दिए हैं, और इसको चलने के लिए ट्रांसफार्मर से मैंने सप्लाई इस बोर्ड में दी है, ये इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा, ये इसकी बेस को और ये ट्रेबल को, और ऑडियो सिग्नल मैंने इसको इस मोबाइल से दिए हैं, और अब गाना चलाता हूँ। ये मैंने इसकी बेस बिल्कुल कम कर दी, बेस फुल खोल दी, डॉक्टर ट्रेबल जो सर्किट है इस आईसी से बना हुआ, ये इतना इफेक्टिव तो नहीं लगा कि जैसा हम ट्रांजिस्टर से बना हुआ जो बेस ट्रेबल सर्किट है, जब हम उसकी बेस खोलते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा धमक देखने को मिलती है, और ट्रेबल भी। लेकिन दोस्तों इसकी एक खासियत ये है कि इस ये जितने भी म्यूजिक के अंदर वाद्य यंत्र हैं, ये सभी को तरंगों को एम्पलीफाई करता है, यानी कि इस के द्वारा बने हुए बेस ट्रेबल में आपको मिठास सुनने को मिलेगा, इसकी आवाज़ अच्छी है, भले ही ये बेस को कम एम्पलीफाई और ट्रेबल को एम्पलीफाई कम करता हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बात है। दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है, यहाँ से सिग्नल इनपुट होंगे, ये जो मैंने ऑक्स लगाया है ये केबल, ये सिग्नल यहाँ आएंगे, एक लेफ्ट राइट इन दोनों पर आ जाएंगे, और ग्राउंड आप जानते हैं यहाँ हो जाएगा उसका, और यहाँ से आउटपुट चले जाएंगे। ये दोस्तों बेस कंट्रोल है, लेफ्ट और राइट का बेस यहाँ से कंट्रोल होगा, और लेफ्ट का ट्रेबल यहाँ से और राइट का ट्रेबल यहाँ से। ये दोस्तों मैंने, आप जानते हो ये सिंबल है किस चीज़ का, ये ऐसे ही टोन कंट्रोल का सिंबल है, एक यहाँ से
तो एक इसकी इधर की पिन पे, एक इधर की पिन पे, और जो बीच के हैं वो दोनों आईसी इसमें इस तरह की दो लगी हुई होती हैं, दो नंबर पिन पे। यहाँ से ये बीच वाला पॉइंट चला जाएगा, एक तो इस पर पहुँच जाएगा, एक ऐसी दूसरी बने बनेगी, क्योंकि दो एक सी होती है तो मैंने एक ही बनाई है। और इसकी इधर की पिनों को मैंने दोनों को एक जगह करके यहाँ से एक तार वो ग्राउंड कर दिया है बैटरी के। ये जो मैंने निशान बनाए हैं ये बैटरी के माइनस हैं, इन्हें मैं ग्राउंड भी कहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही थी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।